आज हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो वायुमंडल। इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? इनकी वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? इनकी हम अपने चारों ओर की वायु को देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं। भाई कोई भी हवा चल रही है, हम तो ये तो हवा लग रही है तभी तो हम महसूस कर रहे हैं, हाँ हवा चल रही है या पत्ता हिल रहा है, ठीक है। फोटोशॉप वायुमंडल क्या है? हम अपने चारों ओर की वायु को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। चलती वायु को पहचान, यानी कि चलती हुई वायु की पहचान। पहचान क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण, वायु में उपस्थित धूल कण, हिलते हुए वृक्ष के पत्ते तथा हिलते हुए वृक्ष के पत्ते, पत्तों से की जा सकती है, ठीक है। हमारे चारों ओर फैले वातावरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। अब क्या है दाब? अब देखिए प्रेशर, दबाव, प्रेशर। प्रेशर क्या है? किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लंब रूप में कार्य कर रहे बल को दबाव, यानी प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बराबर होता है
वर्ग बटा क्षेत्रफल, यानी कि पी बराबर होता है प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्र। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एम स्क्वायर न्यूटन प्रति स्क्वायर होता है। वायुमंडल दबाव अब क्या है, वायुमंडल दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, हम वायु भार रखते, हम जानते हैं वायुमंडल भार रखती है, तथा अधिक स्थान घटती है, अधिक स्थान घेरती है, अधिक स्थान घेरती, उस भार के कारण वायु दबाव धरती पर पड़ता है, वायु दबाव धरती पर पड़ता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु दबाव कम होता चला जाता है, वायु दबाव कम होता चला जाता है, इस प्रकार वायु में भार के द्वारा बने हुए दबाव को इस प्रकार के दबाव को हम वायुमंडल वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और क्या है, जो वायुमंडलीय दबाव है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है कितना होता है, 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच, प्रति वर्ग इंच। दूसरा है 1.033 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक नंबर मिल सकता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या
1.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे मैं आपको वायु में भार ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा, निरपेक्ष दबाव बताऊंगा, गेज दबाव के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इस चैप्टर को पढ़ें ध्यान से।